नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको सबसे आसान तरीके से 44 नंबर की हेल्प से राम नवमी पर राम मंदिर जी का चित्र बनाना सिखाएंगे। बस आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप पहले एक 4 नंबर लिख दीजिएगा और हो सके तो दोस्तों आप मार्कर पेपर पेंसिल उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा। एक 4 नंबर आप इधर लिखेंगे, एक 4 नंबर थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए इस साइड लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप यूं 4 नंबर लिखेंगे। अब दोस्तों, इस 4 नंबर के बगल से ही एक लाइन नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए। इधर से भी एक लाइन आप नीचे के साइड में आसानी से बढ़ाएंगे और इधर से बीच वाली लाइन को थोड़ा सा आप ऊपर के साइड में बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद दोस्तों, एक लाइन आप यूं मिलाइए, इसको हमें ऊपर के साइड में लाइन ड्रॉ करेंगे, एक छोटी सी लाइन इधर। इसके बाद दोस्तों, इसको कर देना होगा हमें डबल। और गाइज, आप कमेंट बॉक्स में जाकर भगवान श्री राम जी की जय जरूर लिखिएगा। इधर से एक लाइन बढ़ाइए और एक लाइन आपको यहाँ से ऐसे आसानी से बढ़ाना होगा। इधर से एक छोटी सी लाइन, इसको हम कर देंगे डबल। यहाँ पर भी आप ऐसे कर दीजिएगा डबल। डबल करने के बाद दोस्तों, अब हमें देखिएगा यहाँ से एक छोटा सा पॉइंट लगाना है और इस पॉइंट से एक लाइन आप ऊपर के साइड में बढ़ाइएगा और इसको आसानी से नीचे की तरफ ऐसे मिला देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों, यहाँ से देखिएगा एक लाइन इधर बढ़ाना है और एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे बढ़ा दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, डबल लाइन बढ़ा दीजिएगा। ऊपर भी आपको ऐसे डबल कर देना होगा, यहाँ पर भी हम ऐसे आसानी से डबल कर देंगे। एक छोटा सा पॉइंट लगाएंगे, एक पॉइंट आप यहाँ पर लगा दीजिए, इसको हम मिलाएंगे इधर नीचे के साइड में। इधर भी आप ऐसे मिला दीजिएगा तो ट्रायंगल शेप में बन जाएगा। ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इधर आपको झंडी बना देना है। पहले इधर लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ पर, फिर अंदर करेंगे, यूँ ऐसे कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप इधर भी रिपीट करेंगे, एक लाइन इधर, एक यहाँ पर, फिर अंदर, ये हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, एक इधर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, एक यहाँ पर ऐसे, एक नीचे के साइड में। फिर इसको ऐसे अंदर के साइड में कर दीजिएगा, जैसे आप M लेटर लिखते हैं उसी तरह लिख दीजिए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक U लेटर लिखिएगा, एक U लेटर आप इधर भी लिखेंगे। और आपसे एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है भगवान श्री राम जी ने कितने वर्ष का वनवास किया था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से आप डबल करेंगे, यहाँ पर भी डबल कर दीजिए। अब दोस्तों, हमें स्केल लेना है, स्केल की हेल्प से नीचे के साइड में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना होगा। यहाँ से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए और इसके बीच में आपको एक बड़ा सा यू लेटर लिखना है। यहाँ पर भी एक पतला सा बड़ा सा यू लेटर लिखिएगा। इस साइड भी आप ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इधर से यूँ हो जाएगा आपका, इसको यहाँ पर मिला दीजिए। और इस साइड एक बड़ा सा आपको गेट बनाना है, बड़ा सा यू लेटर लिखेंगे तो मंदिर का मेन गेट बनके तैयार हो जाएगा। मंदिर का मेन गेट बनाने के बाद देखिएगा, यहाँ से ऐसे डबल करिएगा, इधर भी आप ऐसे डबल कर देंगे। अब हमें यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करना है, 4 लाइन इधर, 4 लाइन आप इधर भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ऊपर के साइड में ले जाइए, यहाँ पर ऐसे वी लेटर, इधर भी आप वी लेटर लिख दीजिए। वी लेटर लिखने के बाद दोस्तों, यहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ बना दीजिएगा। इधर एक लाइन बढ़ाएंगे, हल्का सा तिरछा करते हुए स्केल का यूज करते हुए आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, छोटी सी लाइन इधर, एक नीचे। फिर इसको हम कर देंगे आसानी से दोस्तों डबल, एक इधर बढ़ा दीजिए लाइन, एक लाइन यहाँ पर बढ़ाइएगा, इसको भी हम ऐसे मिला देंगे। इधर छोटी सी लाइन, एक छोटी सी लाइन इधर, देखिए मंदिर का मेन गेट भी मंदिर का सीढ़ी बन के तैयार हो गया है। और इधर आपको कुछ हरियाली बना देना है, ग्रास बना देना है, इधर भी आप इसे बढ़ा देंगे, यूँ बढ़ाइए और यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वीडियो कैसा लगा आपको दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपका कोई भी सुझाव हो तो भी आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा।